गुड आफ्टरनून क्लास, मैं अमित सर, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना से। अभी जो हम लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं वो बिहार दरोगा के लिए इकट्ठित हुए हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, रीजनिंग सेक्टर से हमारे पास 8 से 10 प्रश्न या ज्यादा से ज्यादा 12 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में आप समझ लो कि हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत अधिक करना है। तो थोड़ा सा मेहनत मैं आपके लिए करता हूं और थोड़ा सा मेहनत आप अपने लिए करो। यदि दोनों लोग मिलकर मेहनत करते हैं तो रिजल्ट जो है वो पक्का आना ही आना है, क्योंकि रीजनिंग आप लोग सब बनाते होंगे। बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप जो जानते हो उसमें थोड़ा सा मैं और निखार ला दूं और थोड़ा सा मैं आपको यूनिक बना दूं। इससे होगा कि आप अपने समय की कर सकते हो बचत। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। आज जैसा कि बताया गया है कि आज डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस है, तो आप जान लो कि मैं आपको देने वाला क्या हूं और आपको मेरे साथ कितना मजा आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये आप सोचो। बस मैं यही सोचूंगा कि बस आप जो आए हो तो मैं आपको अधिक से अधिक वस्तुएं सिखा सकूं इन 20-25 दिनों में, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो एग्जाम आपके लिए आसान होगा। तो देखिए, एग्जामिनेशन में आपके ज्यादा सेक्टर तो नहीं है, कुछ सेक्टर्स को वो हिट कर रहा है और कुछ सेक्टर से वो लगातार प्रश्नों को देता आ रहा है। जैसे सिलोलिज्म से प्रश्न उठाए जाते हैं, वेन डायग्राम से उठाए जाते हैं, अल्फाबेट से उठाए जाते हैं। अल्फाबेट में आपका अल्फाबेट अरेंजमेंट, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट एनालॉगी और अल्फाबेट ऑड वन से प्रश्न उठते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज और न्यूमेरिकल एनालॉगी भी आपको देखने को प्रश्नों में मिल सकते हैं। क्लॉक और कैलेंडर के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको ब्लड रिलेशन के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हल्का सा, यानी जो बिल्कुल लोअर कॉन्सेप्ट है, उसका आपको क्यूब और क्यूबॉइड भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बात कर ली जाए तो भरवल में कोडिंग डिकोडिंग से भी कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये 8, 10, 12 प्रश्न जो आने हैं वो आपके दिन आपके एग्जामिनेशन में कहां से आएंगे, यह कंफर्म बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन एक सिलेबस जो ओवरऑल होता है, जिसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग रवि जी। तो चलिए देखिए, आज डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस में आपको कुछ सिखा रहा हूं। आप पहले सीखो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं एक्चुअली में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि कहता है हमसे कि एक घड़ी में 2:10 का समय हो रहा है। एक घड़ी में कितना समय हो रहा है? 2:10 का समय हो रहा है और हमें एंगल निकालना है कि बताइए कि छोटे कोण की माप क्या होगी। तो अक्सर इसमें हम लोग सूत्र यूज करते हैं 11/m और अपने कैलकुलेशन को कर लेते हैं लेंथी। जबकि यदि हम थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस पे रखें तो यह मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और यह 8। जैसा कि आप जानते होंगे कि घड़ी के सेंटर पे बनने वाले जो कोण की माप होती है वो माप 360 डिग्री की होती है। हर अंक के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी 30 डिग्री की होती है। हर अंक के बीच में 4 डॉट उपस्थित होते हैं जो मिनट का सूचक होते हैं। तो हर डॉट के बीच में जो दूरी होती है वो 6 डिग्री की दूरी होती है। तो जब कभी मिनट का सुई 1 मिनट चलता है तो घंटे का सुई भी आधा डिग्री चलता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब कभी भी मिनट का सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगा तो घंटे का सुई भी आधा डिग्री आगे बढ़ेगा। तो मिनट जब 2 मिनट आगे बढ़ेगा तो घंटे का सुई 1 डिग्री, मिनट 4 तो घंटे का सुई 2, मिनट 8 तो घंटे का सुई 4, मिनट 10 तो घंटे का सुई 5। डेट मीन जितना मिनट का सुई आगे जाएगा उसका आधा डिग्री के रूप में घंटा का सुई आगे जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको बनाना कितना आसान होता है। हमसे कहा गया है 2:10 पे
आप छोटे वाले कोण की माप याद कीजिए। तो हम लोग जितना भी एंगल निकालेंगे ना, ये छोटे वाले कोण का ही एंगल निकालेंगे। क्लियर? तो अभी तक मैंने जो बताया उसको माइंड से फ्लैश कर दीजिए। बस सिर्फ एक चीज याद रखना है, एक मिनट में आधा डिग्री घंटा चलेगा, दो मिनट में एक डिग्री घंटा चलेगा, यानी जितना मिनट चलेगा उसका आधा डिग्री के रूप में घंटा चलेगा। क्लियर? अब देखिए, बस दिमाग से बना सकते हैं हम लोग इसको। हमसे कह रहा है 2:10, 10 मिनट। तो जब वो 2:10 कह रहा है तो मिनट की सुई मुझे किस अंक पे दिखेगी? 2 पे। तो जब कभी भी आपको घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक ही स्थान पे दिखने लगे तो आप मिनट के आधा को आंसर बना दो, यही आपका आंसर है। कोई 11/m कोई रूल याद करने की लिखने की जरूरत नहीं है। एज ए एग्जाम्पल फिर देख लो, वो हमसे कहता है कि घड़ी में 6:00 हो रहे हैं, कितने मिनट? 30 मिनट हो रहा है। क्लियर? तो मैं माइंड से फील करूंगा 30 मिनट कहने का मतलब कि मिनट की सुई भी मुझे कहाँ दिखेगी? तो मिनट की सुई भी मुझे 6 पर ही दिखेगी। ऑलरेडी पहले से आवर 6 पे दिख रहा है और मिनट भी मुझे 6 पे ही दिख रहे हैं, डैट मीन्स दोनों सुई एक ही स्थान पे दिख रही है। तो मिनट के आधा को मैं आंसर बना लूंगा तो 30 डिग्री का आधा हो गया 15 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपका माइंड सोच रहा होगा क्या ये रियली में संभव है? तो बिल्कुल संभव है। मैंने अभी आपको बताया कि आप बस एक चीज याद रखो कि जितना मिनट चलेगा उसका आधा डिग्री के रूप में घंटा चलेगा। तो देखिए, पहला जो समय था वो था 2:10। तो यदि हम बात कर रहे हैं 2 बजे की, तो घंटे की सुई एग्जैक्ट 2 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी। जब मिनट की सुई 1 मिनट आगे जाएगी तो घंटे की सुई आधा डिग्री, मिनट की सुई 2 मिनट आगे जाएगी तो घंटे की सुई 1 डिग्री, यानी जितना मिनट जाएगा उसका आधा डिग्री के रूप में घंटा जाएगा। तो जब यह मिनट की सुई चलते चलते 2 पे आएगी, यानी 10 मिनट का सफर तय कर लेगी, तो 10 मिनट का सफर तय करने में घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ेगी, तो कितना आगे बढ़ेगी? तो मिनट का आधा तो 10 मिनट चली है, तो घंटे की सुई 5 डिग्री चली जाएगी। कहाँ? आगे। किसकी तरफ? 3 की तरफ। तो ये छोटा वाला कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? तो 5 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर? तो पहला टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए वो कह रहा है 9:45 का समय हो रहा है। ध्यान से सोचिए, आपसे समय क्या है? 9:45 o'clock। 45 डेट मीन्स मिनट की सुई जो है वो 9 पे दिखनी है, घंटे की सुई भी 9 पे इंडिकेट कर रही है, मिनट की सुई भी 9 पे इंडिकेट कर रही है, दोनों सुइयां सेम जगह इंडिकेट कर रही हैं। इस सिचुएशन में मिनट के हाफ को आंसर बना देना है। मिनट है 45 मिनट, इसका आधा हो जाएगा 22.5, यानी 22.5 डिग्री। तो 45 का आधा हो गया 22.5 डिग्री का कोण। एक काम खत्म हो गया। अब चलिए दूसरी घटना हम लोग देखते हैं। अब मान लो कहीं वो ऐसा समय दे दिया जिसमें लिखा गया हो कि 2:40 का समय हो रहा है। कितने बज रहे हैं घड़ी में? तो 2:40 हो रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, घंटे की सुई तो 2 पे है, मिनट की सुई 40 पे है, और 40 मिनट कहने का मतलब 1 का मतलब 5 मिनट, 2 10 3 15, तो जाएंगे तो 8 पे सुई होने का मतलब 40 मिनट, यानी यह सुई किस पे होगा? तो मिनट की सुई 8 पे होगी। अब 8 से 6 का अंतर क्रिएट होगा, तो जब भी 6 का अंतर मिल जाए तो इस अंतर को 30 से गुना कर लीजिए, आ गए 180 डिग्री, और इसमें मिनट के आधा को माइनस कर दीजिए तो 20 डिग्री माइनस हो गया,
तो 160 डिग्री का कोण बन गया। क्लियर है? हमने क्या किया, हमने देखा 2 बजकर कितने मिनट का समय चाहिए, 40 मिनट का। 40 मिनट कहने का मतलब मिनट की सुई कहाँ दिखेगी, 8 पे। तो मिनट की सुई जब 8 पे दिखेगी तो 2 से 8 या 8 से 2 जाने में मुझे 6 अंक लगेंगे। घड़ी में 1 अंक के बीच की दूरी 30 मिनट में पहले 30 डिग्री बता चुका हूं, तो 1 डिफरेंस बराबर 30 डिग्री, तो 6 डिफरेंस बराबर 30 छक 180 डिग्री, और मिनट की सुई का आधा, तो 40 का आधा 20 डिग्री में माइनस किया तो आ गया 160 डिग्री। आखिर यह होता कैसे है, तो आप ध्यान से देख लो यह होता कैसे है। याद होगा मैंने कहा था सारे चीज को फ्लैश कर दो, सिर्फ आप एक चीज याद रखो, मिनट का आधा घंटे का सुई चलता है डिग्री के रूप में, घड़ी में बज रहे हैं 2, यह सिचुएशन होगा। मिनट की सुई जब 1 मिनट आगे जाएगी तो घंटे की सुई आधा डिग्री, यहां मिनट की सुई चल चुकी है 40 मिनट, तो घंटे की सुई 20 डिग्री चली जाएगी कहां, आगे, यानी 10 डिग्री पीछे होगी 3 से। तो 7 से 8 के बीच 30 डिग्री, 7 से 6 के बीच 30 डिग्री, 6 से 5 के बीच 30 डिग्री, 5 से 4 के बीच 30 डिग्री, 4 से 3 के बीच 30 डिग्री। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी 150 डिग्री हो गए, और यहां से यहां 30 डिग्री में 20 डिग्री खत्म, तो यह 10 डिग्री और बच गया। तो 150 और 10 डिग्री यानी टोटल कोण बन गया कितने का, 160 डिग्री का। ठीक है? चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमको कहता है कि 10 बजकर 20 मिनट का समय हो रहा है, तो घंटे की सुई 10 पे है, मिनट की सुई 20 मिनट, 20 मिनट कहने का मतलब 4 पे होगा, तो 4 से 10 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 6 होगा, 1 अंक का डिफरेंस यानी 30 डिग्री। तो 6 अंक का डिफरेंस यानी 6 × 30 डिग्री यानी 180 डिग्री। अब 6 का अंतर जब दिखे तो मिनट के आधा को घटाएंगे, तो 20 का आधा 10 डिग्री घट गया, तो 180 में 10 डिग्री घट गया, आंसर हो गए 170 डिग्री। क्लियर है? चलिए आप एक और देख लो। मान लीजिए हमसे कह रहा है 4 बजकर 50 मिनट, तो मिनट की सुई तो दिखेगी 10 पे, दोनों के बीच में अंतर कितने हैं, 6 डिग्री। 6 का मतलब हो गया 6 × 30 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री, और 180 डिग्री में मिनट के आधा को माइनस करूंगा तो 50 का आधा में 25 डिग्री घटाऊंगा, तो 180 में 25 घटाऊंगा तो 155 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर है? सीखना मेरे पास बहुत आसान होगा, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका समय बच जाएगा। अब यदि हमको इसकी आदत पड़ जाती है, तो आदत पड़ जाती है तो इसका मतलब है कि मेरे लिए काम आसान हो जाता है। हमने देखा एग्जाम में कि कह रहा है भैया 7 बज के 35 मिनट पे कौन बताओ, मैंने कहा अच्छा दोनों सुई 7 पे ही दिखेगा, 35 का आधा 17.5 डिग्री का आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। हमसे उसने कहा भैया मुझे 11 बज के 25 मिनट का आंसर बतलाओ, मैंने कहा भैया ये 5 पे दिखेगा, ये 11 पे 6 का अंतर है यानी 180 ले लो, और 180 में 25 का आधा 12.5 घटा दो, तो 180 में 25 का आधा 12.5 घटा दिया तो 167 1/2 167.67 डिग्री का कोण बन गया। बिल्कुल मुंजबानी बनाया जा सकता है। फिर से देख लो, हमसे बोला भैया कुछ नहीं करो, आप मुझे 5 बज के 25 मिनट का बतलाओ कितना एंगल बनेगा, मैंने बोला यार ये भी 5 पे है, ये भी 5 पे है, दोनों 5 पे है, तो मिनट का आधा करना यानी 12.5 डिग्री का कोण बन गया, खत्म हो गया। हमसे पूछा भैया 3 बज करके 45 मिनट का कोण बतला दो, मैंने कहा यार ये तो 9 पे है, ये 3 पे है, दोनों के बीच 6 का अंतर है, 180 को पकड़ ले और 45 का आधा 22.5 डिग्री तू क्या कर ले, माइनस कर ले।
तो साढ़े 22 डिग्री जब माइनस कर दूंगा तो 20 डिग्री में 60 और साढ़े 22 डिग्री में 157 डिग्री का कोण बन जाएगा। कोई कैलकुलेशन अधिक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वस्तुओं को दिमाग में रखना है। चलिए ध्यान से देखिए, वो कह रहा है हमसे कि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, सी डी की बहन है। तो वो जानना चाहता है ए का डी से क्या संबंध है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको ट्रेडिशनल तरीका यूज करते हैं। ए भाई है किसका? बी का। बी पिता है किसका? सी का। और सी बहन है किसकी? डी की। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम हो गए, मेरी बहन हो गई, मेरी बहन के पिता मेरे पिता, मेरे पिता के भाई मेरे चाचा हो गए। तो यह काम करना क्यों है? जो हम यहां पढ़ रहे हैं वही हम क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, किसके बारे में बतलाना? ए के बारे में। किससे जोड़कर? डी से जोड़कर। मैं डी पे बैठ जाता हूं तो सी मेरी कौन है? बहन है। सी जहां भी दिखेगी मेरी बहन होगी। मेरी बहन के कौन है? पिता है। तो बहन के पिता मेरे भी पिता हो जाएंगे। यह मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी का कौन है? भाई है। तो पिताजी का भाई कौन हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। फिर से आप एक क्वेश्चन देख लो। ए बी का पिता है, बी सी का पुत्र है, सी डी की बहन है, डी ई का पति है। तो ए का ई से क्या संबंध है? हम लोग क्या करते हैं, ए बी का पिता है यानी ए पिता है तो लड़का है, और किसका पिता है? तो बी का। तो बी से होगा ऊपर। बी सी का पुत्र है तो बी पुत्र है यानी लड़का है, और किसका पुत्र है? सी का। तो बी ए का भी पुत्र है और बी सी का भी पुत्र है यानी इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन है। सी डी की बहन है तो सी बहन है, किसकी बहन है? डी की। और डी ई का पति है तो डी पति है, किसका पति है? ई का। इतना काम करने के बाद हम देखते हैं कि ए का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं। वो मांगता है ए का, हम बताते हैं ई का। मांगता है ई का, हम बताते हैं ए का। तो हम लोग काम क्या करेंगे, जिसके साथ बतलाना हो उसको छोड़ देंगे। तो किसको बतलाना है? तो ए का यानी ए कौन लगेगा? तो ए कौन लगेगा यानी ए को मैंने छोड़ दिया। किस से? ई से। तो ई से मैंने चल दिया। तो मैं हो गया, मैंने शादी किया तो मेरे पति हो गए, और मेरे पति की बहन मेरी ननद हो गई, और मेरे ननद के पति नंदोसी हो गए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर इन लॉ। मैं कहता हूं यार इतना काम क्यों करना, इतना काम हम करे हैं क्यों? हम इजी प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हमसे पूछ रहा है ए का किससे? ई से। मैं बैठ जाता हूं ई पे। अगर मैं ई पे बैठ गया तो डी मेरा कौन है? पति है। मेरे पति की कौन है? बहन है। तो मेरी ननद हो गई। मेरी ननद का कौन है? पुत्र है। तो ननद का पुत्र है यानी मेरा भांजा हो गया।
और मेरे भांजा का कौन है, पिता है। तो भांजा का पिता यानी ननद का पति, तो भांजा का पिता यानी ननद का पति, तो ननद का पति नंदोसी हो गया यानी ब्रदर इन लॉ हो गया, आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं गेम। देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 1960 को कौन सा दिन रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग डेट रखते हैं, उसके बाद अगस्त महीने का कोड रखते हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा मंथ का कोड अलग अलग होता है। उसके बाद साल का कोड रखते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट दो डिजिट को पकड़ते हैं, उसको 4 से भाग देकर उसका भागफल जमा करते हैं, सबको जोड़ते हैं और 7 से भाग दे देते हैं। शेष फल जो आता है संडे को पहला दिन मानते हैं और देखते हैं कि वह एग्जैक्ट गया है या आगे पीछे गया है। तो क्या हम लोग करते हैं, पहले हम लोग डेट रखते हैं, उसके बाद प्लस हम लोग मंथ कोड रखते हैं, उसके बाद हम लोग YC ईयर कोड रखते हैं, फिर ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देकर भाग फल रखते हैं और सबको जोड़कर 7 से भाग दे देते हैं। जो शेषफल हासिल होता है उस शेषफल को संडे पहला दिन समझते हैं और देखते हैं कि यह टैली कर रहा है कि नहीं। फिर इस वाले डेट के साथ हम सेम इतना ही काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को करने से आंसर बखूबी आता है, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है, ये हमारा समय टेकन कर लेता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग समय कैसे बचा सकते हैं। ध्यान से देखोगे, बिल्कुल हवा में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, डेट 15 अगस्त यहां भी था, 15 अगस्त यहां भी था, यानी बैलेंस था। अगस्त यहां भी था, अगस्त यहां भी था, बैलेंस था। मुझे बैलेंस किसको करने हैं, तो ईयर को करने हैं। ईयर का सबसे पहले मैं निकाल लूंगा अंतर और इसके बाद लीप ईयर को उंगली पर काउंट करके और इसको 7 से दे दूंगा भाग। जो शेषफल मुझे होंगे प्राप्त वह आगे जाने पर जोड़ूंगा और पीछे जाने पर घटाऊंगा। तो देखिए गेम कितना आसान हो गया। मैंने 47 से 60 तक का जब अंतर निकाला तो यह अंतर मुझे प्राप्त हुए 13 साल। इस 13 साल में मैंने लीप ईयर काउंट कर लिया उंगली पे, तो पहला लीप ईयर 48, 52, 56 और 60, क्योंकि 60 में मैं जा रहा हूं 15 अगस्त तक। अगर यही मैं 60 में 29 फरवरी के पहले रुक जाता तो वह काउंट नहीं होता। तो 4 लीप ईयर मिले बटा कितना, 7, तो 13 और 4 कितने हो गए, 17 बटा 7। तो शेष कितना बच गया मेरे पास, 3। मुझे आगे जाना है इसीलिए शेष को जोड़ देना होगा। तो मैंने फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर दिया, सैटरडे संडे छोड़कर, और हमारा आंसर हो गया मंडे। यदि हमें इसकी आदत पड़ जाए, क्लियर, तो फिर हम लोग इस चीज को उंगली पे बना सकते हैं। ध्यान से देखोगे, डेट बैलेंस था, मंथ बैलेंस था, दोनों ईयर के बीच अंतर आया 13 साल का, तो 13 साल का अंतर हमने रख लिया और फिर देखा 48, 52, 56, 60, 4 लीप ईयर मिले, तो 13, 4, 17 हो गए, 7, 2, 14 कट गया, 3 शेष बच गए।
आगे जाना है तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ दूंगा, शनि रवि छोड़कर सोमवार को पहुंच जाऊंगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए वो कह रहा है 26 जैन 1950 को थर्सडे था, तो 26 जैन 1980 को कौन सा दिन रहा होगा? 26 26 कॉमन कैंसिल, जनवरी जनवरी कॉमन कैंसिल, मुझे ईयर का निकालना है अंतर, तो अंतर हम ध्यान से देखें तो 30 साल का अंतर है। क्लियर? इस 30 साल के अंतर में लीप ईयर 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, और जनवरी में रुक रहे हैं 26 को, तो जनवरी तो लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं होगा, यानी 7 लीप ईयर। तो 30 प्लस 7 बटा 7 यानी 37 बटा 7, तो 7 बचे 35 कट गया, शेष बच गए मेरे पास 2। आगे जाना है तो मैं थर्सडे में 2 दिन ऐड कर दूंगा, तो फ्राइडे छोड़कर हो गए सटरडे। क्लियर? अब मान लो हमसे कहता है यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? प्रश्न तो इजी है। यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना है, बड़े डेट में से छोटे डेट को माइनस करना है, जो आए उसको 7 से भाग दे के शेषफल को जमा करना है। आगे जाते समय शेषफल को जोड़ना है और पीछे जाते समय शेषफल को घटा देना है। क्या करना है? बड़े डेट में से तो बड़ा डेट 26, छोटे डेट को तो छोटा डेट 2 माइनस करना है, आ गया 24। उसको 7 से देना है भाग और शेषफल को करना है जमा, तो 7 या 21 कट गया, शेषफल 3 हो गया। छोटे डेट से बड़े डेट को जाना था, इसीलिए मैं ऐड करूंगा। तो मंडे में मैंने 3 दिन ऐड कर दिया, ट्यूसडे, वेडनेसडे और यह हो गए थर्सडे, गुरुवार। ध्यान से देखिएगा। मान लो वो हमसे कहता यदि 31 अगस्त 1995 को ट्यूसडे था तो 6 अगस्त 1995 को कौन सा दिन रहा होगा? बड़े डेट में से छोटे डेट को माइनस करना है, तो बड़ा डेट 31, छोटा डेट 6, 31 में से 6 निकल गया तो बच गया 25, 7 से भाग दे दिया तो शेष बच गया 4। अब मुझे बड़े डेट से छोटे डेट को जाना है, यानी पीछे जाना है, और पीछे जाना है तो मुझे माइनस करने होंगे, तो मैंने ट्यूसडे में 4 दिन घटाया। उससे अच्छा है मैंने 3 दिन जोड़ दिया, तो वेडनेसडे, थर्सडे और यह हो गए फ्राइडे। अब बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये 4 दिन माइनस किया, समझ तो आया कि पीछे जाना था तो मैंने 4 दिन माइनस कर दिया, मैंने वो 3 दिन आगे क्यों किया? तो ध्यान से देखोगे,
संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और यह सैटरडे। क्लियर? मुझे ट्यूसडे से 4 डे पीछे जाना था, तो यदि मैं ट्यूसडे से 4 डे पीछे जाता हूं तो -1 -2 -3 और -4, उससे अच्छा है कि मैं ट्यूसडे से +1 +2 और +3 दिन आगे जाऊं। तो ट्यूसडे से 4 दिन पीछे जाकर मैं जहां पहुंचूंगा, ट्यूसडे से 3 दिन आगे जाकर भी मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। इसीलिए मैंने ट्यूसडे में 4 दिन घटाने के बजाय मैंने 3 दिन जोड़ना उचित समझा, क्योंकि जोड़ना हमारे लिए आसान होता है। क्लियर? अब मान लीजिए कि हमारे पास पासा रखा गया है, चार पांच तीन और 3 4 2। हमसे पूछ रहा है, भैया बता दो 2 का अपोजिट क्या होगा। तो ये पासे का रूल मैंने बना रखा है, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं दोनों पासे का ऑब्जर्वेशन करता हूं, तो दोनों पासे के ऑब्जर्वेशन में मैंने पाया कि 3 दोनों में है और 4 दोनों में है। तो जब भी कभी दो पासा दिखाया जाए और दोनों पासे में दो एलिमेंट को कॉमन बना दिया जाए, कितने एलिमेंट को, दो दो एलिमेंट को कॉमन बना दिया जाए, तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे वह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 5, और 5 का अपोजिट कौन, 2। जब भी दो पासे में, मेंस के सिलेबस में आपको ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको सलॉक से दो या एक क्वेश्चन सलॉक से होंगे, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से होंगे, 2 सीरीज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? उसके बाद आपको क्यूब और क्यूबॉइड से भी एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद बात करें तो ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दैट मींस मेंस और पीटी में अंतर कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो थोड़ा अपग्रेड कर देगा और कुछ नहीं करेगा। तो मैं जो भी आपको सिखाऊंगा वो बेस के साथ ही सिखाऊंगा, ताकि आप मेंस में जाइए तो बिल्कुल फंसने की गुंजाइश ना हो। क्वेश्चन सामने आएगा, आपको लगेगा यार ये तो क्लासरूम में मैं कर चुका हूं, तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए रवि जी। बस जो सिखा रहा हूं आप उसको सीखे, सीख रहे हो कि नहीं रहे हो, बस सिर्फ इतना बतला दो। मैं जो अभी तक सिखाया वो बात समझ में आ रही है ना, आप या यस या नो कर दो, बस उतना सीख रहे हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है? चलिए देखिए, एक ही पासे के दो प्रारूप को दिखाए और दो एलिमेंट को कॉमन बनाए, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मान लो भैया अब यहां पे उसने कलर को रख दिया है, इसमें उसने कहा रेड है, इसमें कहा ब्लू है, इसमें कहा ग्रीन है, फिर उसने कहा कि रेड है, यहाँ उसने बोला ब्लू है, और यहाँ उसने कह दिया पिंक है। अब वो जानना चाहता है कि ग्रीन का अपोजिट क्या होगा। तो ज्यों ही मैंने देखा कि रेड और ब्लू इसमें भी है और रेड और ब्लू इसमें भी है, तो दो एलिमेंट जब कॉमन चल रहा है तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा वह एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो ग्रीन का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो ग्रीन का अपोजिट पिंक हो जाएगा। अब मान लो कभी ऐसा भी तो कर सकता है कि दो एलिमेंट के जगह पे वो बस एक ही एलिमेंट को कॉमन बना दे, वो क्या कर दे, एक एलिमेंट को, जैसे 6 है, 1 है। ठीक है? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल नया हो चुका है, अब ध्यान से सुनिएगा, बस सुनकर आप याद रख सकते हो वस्तुओं को।
एक ही पासे का दो प्रारूप दिखाया गया, दोनों प्रारूप में एक एलिमेंट को यानी फोर को कॉमन बना दिया गया। तो जब एक ही पासे का दो प्रारूप दिखाए, दोनों प्रारूप में एक एलिमेंट को कॉमन बना दे, तो जिस एलिमेंट को उसने कॉमन बना रखा है उसका विपरीत वह होगा जो मुझे अभी तक दिख नहीं रहा। तो ध्यान से देखिए, तो 1, 2, 4, 5, 6 दिख रहा है, 3 मुझे नहीं दिख रहा, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जब एक ही पासे को दो बार घुमाकर दिखा, यानी दो अलग अलग डायमेंशन में, दैट मीन्स इसको कहते हैं पासे के दो प्रारूप को दिखाना। तो जब एक ही पासे के दो प्रारूप को दिखाया गया है और दोनों प्रारूप में एक एलिमेंट को कॉमन बनाया गया है, क्लियर? तो जो एलिमेंट कॉमन बन चुका है उसका अपोजिट वह होगा जो दोनों जगहों पे नहीं दिख रहा। तो दोनों जगहों पे क्या नहीं दिख रहा, तो 3 नहीं दिख रहा। और जो एलिमेंट नहीं दिख रहा है उसका अपोजिट वह होगा जो दोनों जगहों पे कॉमन है। तो दोनों जगहों पे कॉमन क्या है, 4 है, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। यदि कॉमन वाले एलिमेंट के अगल बगल से पूछ ले, यदि कॉमन वाले एलिमेंट के अगल बगल वाले एलिमेंट का पूछ दे, तो कॉमन वाले एलिमेंट को पकड़ कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे हम आंसर निकाल सकते हैं। एज एग्जाम्पल, एक का अपोजिट पूछा, मैंने देखा एक पहले में तो नहीं है लेकिन एक दूसरे में है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 4 है। यदि मुझे 4 से 1 के पास पहुंचना पड़ा तो मुझे एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा, तो यहां भी मैं 4 से एंटी क्लॉक जब घूमूंगा तो मुझे 6 मिल जाएंगे। मुझसे पूछा गया 5 का विपरीत कौन है, तो मैंने देखा 5 तो पहले में है, कॉमन दोनों में क्या है, तो 4 है। 4 से क्लॉकवाइज चलने पे 5 आएगा, यहां मैं 4 से क्लॉकवाइज चलूंगा तो 2 आ जाएगा। सारा अपोजिट क्लियर, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमसे पूछा ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, तो मैंने देखा ग्रीन पहले में है और पहले और दूसरे एलिमेंट में बस एक ही एलिमेंट ब्लू जो है वो कॉमन है। ठीक, तो ब्लू से मुझे क्लॉकवाइज चलने पे ग्रीन मिलेगा, ब्लू से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो पिंक आ जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि भैया बता दो ऑरेंज का अपोजिट क्या होगा, तो मैं देख रहा हूं कि ऑरेंज तो मेरे पास है ही नहीं। तो जब ऑरेंज मेरे पास है ही नहीं, इसका मतलब है दोनों में जो एक एलिमेंट कॉमन है वही मेरा ऑरेंज का अपोजिट है। तो दोनों में क्या कॉमन है, ब्लू कॉमन है, तो ऑरेंज का अपोजिट क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्लियर है, चलिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं। आपकी क्लासेस अभी प्रॉपर वे में नहीं चल रही है, ठीक है, आपकी क्लासेस मंडे से मे भी प्रॉपर वे में टॉपिक वाइज चलनी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग एक टॉपिक को पकड़ेंगे, उसको फिनिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके क्लॉक में एक क्वेश्चन देता है, वो कहता है कि 2 से 3 के मध्य कितने बजे दोनों सुइयां समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब 0 डिग्री का कोण, इसका मतलब आपस में मिलेंगी। क्लियर, कुछ भी नहीं करना है समानुपाती निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था घड़ी में 1 का मतलब होता है 5 मिनट और 2 का मतलब 10 मिनट,
तो इस दो को पांच से गुना करना है, पहले वाले अंक को पांच से गुना, तो 5 2 10 हो गए। इसको 12/11 से कैलकुलेट कर देना है, तो 12 दहिया 120 हो गए और बटा 11, तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो 11 दहिया 110, शेष बच गए 10। यहां से यह समय उठाऊंगा और यहां लगाऊंगा, यानी 2:10:10 पे वह समय आएगा जब 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समानुपाती होंगी। फिर से आप देख लो मैंने क्या सिखाया। उसने कहा 2 से 3 के मध्य कितने बजे दोनों सुइयां समानुपाती होंगी, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगा। जो पहला अंक है उसको 5 से गुना करूंगा, जितना आएगा मेरे पास उसको 12/11 से कैलकुलेट कर दूंगा, तो 12/11 से, तो 12 10 जा 120/11, 11 10 जा 110, 10 शेष बच गए। अब आगे इस समय को उठाया और लगा दिया, प्रोसेस सेम रहेंगे। जैसे देख लो 6 से 7 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, किसके किसके मध्य, 6 से 7 के मध्य क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी। आपस में जब मिलेंगी तो कितने अंश का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। मैं पहले अंक को लूंगा और 5 से गुना करूंगा, तो 6 5 30 हो गए, 12/11 से कैलकुलेट कर दूंगा, तो 30 दहिया 300 और 30 दूना 60, यानी 360/11 हो गए। जब मैं इसको काट देता हूं तो 11 3 33 कट गए, बच गया 30, 11 2 22 कट गए, बच गया 8। यहां से यह समय उठाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, यानी 6:32:08 पे वह समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समानुपाती होंगी, यानी 0 अंश का कोण बनाएगी, यानी कि एक दूसरे से मिलेगी। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, हम लोगों ने पहली घटना सीखी, मान लीजिए मुझसे कह रहा है कि 7:10:50 का समय हो रहा है, कितने अंश का कोण बनेगा। मैंने कहा यह भी सुई 10 पे है और यह भी सुई 10 पे है, यानी मिनट का आधा 25 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने दूसरी घटना देखी कि बताइए कि 11:25 पर कितने अंश का कोण बनेगा। मैंने कहा यह सुई 6 पे है, दोनों के बीच में अंतर जो है वह 6 डिग्री का है, 5 पे है, दोनों के बीच अंतर 6 का है, 6 का अंतर मिला 180 को पकड़ा और 25 का आधा 12.5 डिग्री मैंने माइनस कर दिया, तो ये हो गए 167 1/2 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा ए बी का पुत्र है, बी सी का भाई है, सी डी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध है। तो मैंने कहा मैं हो गया, मेरी पुत्री हो गई, और मेरी पुत्री का भाई मेरा पुत्र हो गया, और मेरे पुत्र का पुत्र मेरा पोता हो गया। ठीक है, फिर हमने सीखा 10 मार्च 2009 को संडे है, तो 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा।
तो मैंने देखा डेट बैलेंस है, मंथ बैलेंस है, ईयर को बैलेंस किया, 9 साल का अंतर। इस 9 साल में लीप ईयर जब देखने गया तो 1 12 1 16, 2 लीप ईयर, और बटा मैंने किया 7, तो 7 9 2 हो गए 11 बटा 7, 7 1 7 कट गया, शेष बच गए 4। आगे जा रहा हूं, संडे में 4 दिन जोड़ दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और यह थर्सडे। क्लियर? फिर हम लोगों ने सीखा यदि 3 जुलाई को सैटरडे है तो 27 जुलाई को कौन सा दिन होगा। मैंने बड़े डेट में से छोटे डेट को माइनस किया, 27 में से 3 माइनस किया, 24 आया, 7 से काट दिया, शेष मेरे पास 3 बच गए। मैं सैटरडे से 3 दिन आगे बढ़ गया, संडे मंडे ट्यूसडे आंसर हो गए। ठीक है? फिर हम लोगों ने सीखा एक ही पासे का दो प्रारूप दिखाया जाए, दोनों प्रारूप में दो एलिमेंट को कॉमन बना दिया जाए, तो जो भी एलिमेंट एसी एसी कॉमन हो गए, तो जो भी एलिमेंट सिंगल सिंगल है वह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने सीखा एक ही पासे का दो प्रारूप दिखाया जाए और दोनों प्रारूप में कोई एक एलिमेंट को कॉमन बना दिया जाए, तो इस सिचुएशन में जो एलिमेंट कॉमन है उसका अपोजिट वह होगा जो नहीं दिख रहा है। मान लो एफ का अपोजिट पूछा, एफ मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो एफ नहीं दिख रहा तो इसका अपोजिट सी हो जाएगा। अब वो कॉमन वाले के बगल से पूछ दिया तो एंटी क्लॉक जाने पे ई मिलेगा, जब मैं एंटी क्लॉक जाऊंगा तो बी मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग की नेक्स्ट मुलाकात जो होगी मंडे से या ट्यूसडे से, तो फिर हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू टाइप वाइज टाइप और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। कोशिश बस यही रहेगी कि आपका मेंस में मैं एक भी प्रश्न छूटने ना दूं, ताकि मेंस में जब आप बैठो तो रीजनिंग का टेंशन आपके पास ना हो, आप इजिली हैंडल करके रीजनिंग को निकल सको। तो चलिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।